widely watched host ceremony ever in the world. सारी दुनिया देख रही थी कि साहब ये क्या है क्या. और उसी के साथ इट वॉज बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म. मेरे आशावाद से आशावाद कि उससे पहले आप यदि स्मरण करें, क्योंकि जब हम सुख की बात करते हैं, जब दिन बदल जाते हैं, तो स्वाभाविक है फिर पिछले अनुभव थोड़े से अगर कठिन और कठोर भी हो तो व्यक्ति में प्रवृत्ति रहती है भूलने की. लेकिन उससे पहले यदि आप स्मरण करेंगे तो एक ऐसा कालखंड गुजरा कि इतनी निराशा इस देश में थी कि सोचा जाता था कि साहब अब तो इसका कुछ होगा ही नहीं. घोटाले पे घोटाले, जो हमारे युवा विदेश गए हुए थे भाई बहनों को भी वहां बुलाने लग गए, अब तो वापिस आने लग गए. उल्टा हो गया था, यानी ऐसा लग रहा था कि अब ये देश रहने के काबिल नहीं. तो इस विकास यात्रा का जो प्रारंभ हुआ, मैं समझता हूं ये ना केवल एक धरातल पर तो एक परिवर्तन का संकेत था ही, एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया. और उस बदलाव का प्रारंभ मई 2014 से हुआ. इट वॉज नॉट ओनली अ रेवोल्यूशनरी चेंज एट द फिजिकल लेवल बट ऑल्सो एट द साइकोलॉजिकल लेवल, अ चेंज ऑफ माइंडसेट. एंड इसके चलते हमारा स्वाभिमान उसकी वृद्धि हुई, सेल्फ एस्टीम, द प्राइड ऑफ बीइंग एन इंडियन, जो कहीं खो गया था पिछले 8-10 वर्षों में. और आप देखते हैं आज जब मोदी जी वहां जाते हैं तो जिस प्रकार से स्वागत होता है और किस तरह से भारतीय समाज के लोग वहां पर के इतनी भारी संख्या में इकट्ठे होकर कितने दिन पहले से तैयारी शुरू करने लग जाते हैं और अपने आप को दे असर्ट देयर आइडेंटिटी अमंग द लोकल पीपल. कहते साहब हम इंडियन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर आना. पहले वो शर्म करते थे कहने में और कहीं कहीं छुप जाते थे. तो ये जो प्राइड है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. बाकी चीजें तो कहीं है पर तो ये कहीं इन बातों का उल्लेख कहीं कहीं रह जाता है. इसने हमें एक आइडेंटिफिकेशन इन बीइंग भारतीयता की आइडेंटिफिकेशन, स्वाभिमान की आइडेंटिफिकेशन, जैसे मोदी जी कहते हैं कि न्यू इंडिया की खोज की तलाश की तलब. अब यदि हम भिन्न भिन्न कार्यक्रमों की योजनाओं की बातें करेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है जो इस आज के इस सभा का विषय भी है, तो अगर हम लंबी बात करेंगे तो फिर कई घंटों चलेंगे. जहां तक योजनाओं की स्कीम्स बासी, एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, यदि कभी कभी ना भी आई हो ध्यान में, और जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत की राजनीतिक व्यवहार में, जितनी भी ये स्कीमें ये गरीब हित की तो है ही है, प्रो पुअर पीपल वेल, लेकिन शायद ये चीज आपको कभी ध्यान में आई कि नहीं कि ऑल दीज प्रो पुअर स्कीम्स वर मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड बाय कन्विक्शन, नॉट बाय एनी अदर इंटरेस्ट, लीस्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल इंटरेस्ट. सो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं समझता हूं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस कालखंड की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि मोदी गवर्नमेंट्स रिफॉर्म्स वर इंस्पायर्ड बाय कन्विक्शन. आमतौर से ऐसा इलेक्टेड सरकारों में नहीं होता क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है. अब मैं उसका आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं. 5 प्रदेशों में इतना महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला था, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में, और उसके ठीक 2-3 सप्ताह पहले 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी अचानक अकस्मात घोषणा करते हैं नोट बदली हुई रिमर्जेंस. इतना बड़ा रिस्क मतलब कोई ले सकता है क्या? कोई प्रधानमंत्री या कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आप दर से ऐसी बात आएगी तो कहेंगे साहब चलने दीजिए, छोड़ दीजिए, हमारा क्या जाता है, पहले अपनी सरकार तो चलने दो. लेकिन उससे ये प्रमाणित होता है कि कितनी कमिटमेंट, कन्विक्शन इज नॉट ओनली कन्विक्शन, इज ऑल्सो करेज ऑफ कन्विक्शन. यही नोट बदली की बात इंदिरा जी के समय में आई, जब भाई भी जवान थे हमारे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा इंदिरा जी के आगे. तो इंदिरा जी ने एक ही शब्द में वाक्य में कहा था कि जवान साहब अगली बार भी सरकार बनानी है कि नहीं बनानी है, ये क्या नए शगुफे लेकर आए. तो फिर वो बात समाप्त हो गई वहीं पर. और ये बात है एमरजेंसी से पहले के समय की, कहीं 72-73. तो कहने का तात्पर्य ये कि सामान्य तौर पर ना केवल भारत में, किसी और देश में भी कहीं भी सरकारें, हुक्मरान
और सत्ता में बैठे हुए जो चुनाव के माध्यम से डिक्टेटर हो तो अलग बात है, या कोई फैसले सरकार हो तो अलग बात है, या मोनार्की हो राजवाड़ा हो अलग है, लेकिन जो चुनाव जीत के आता है कोई भी नेता वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। और ये ऐसे समय जबकि सारे देश की और विश्व की नजरें पड़ी थी कि साहब उत्तर प्रदेश में क्या होता है, तो कहने का तात्पर्य ये, और मैं समझता हूं यही इस सरकार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही हमारी विश्वसनीयता है कि लोग आज ये समझने लगे कि एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है या ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जो भी निर्णय लिया होगा वो कहीं ना कहीं हमारे हित से जुड़ता होगा, उनका अपना उसमें कोई स्वार्थी या इंटरेस्ट नहीं होगा। अब दूरगामी परिणाम क्या होते हैं किस निर्णय के, भी दूसरी बात है, और इसका रिट्रोस्पेक्टिव आकलन होता है, जैसे हमारे रिसर्च वाले बैठे हुए कई रिसर्च स्टडीज भी रिट्रोस्पेक्टिवली होती है, परंतु इरादा साफ है ये एक बहुत बड़ी बात है, एंड दैट ह्यूज ह्यूज क्रेडिबिलिटी। नोटबंदी को लेकर के इसीलिए लोग कितने कितने घंटों तक कतारों में खड़े रहते, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि फैसला गलत है, वो सारी मुश्किलें दिक्कतें झेलने को तैयार थे कि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे हित में ये बात सोची गई है। और उस समय मेरा इतने प्रदेशों में प्रवास रहा, एक बार सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचे रविंद्र जी कहने लगे कि वहां बहुत दिक्कत आ रही है, वो बैंक के एटीएम नहीं है, तो हमने कुछ 4-5 हज़ार की वहां भीड़ थी, हमने उनसे पूछा कि आपको दिक्कत है लेकिन आप इससे मुतमईन है, सुतिष्ठ, दोनों हाथ उठाकर कहा कि नहीं फैसला ठीक है। और एक व्यक्ति था साधारण व्यक्ति, तेरा पौधा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, उसने कहा कि मैं एक मिनट माइक पर आना चाहता हूँ, उसने कहा कि पहली बार मुझे हिंदुस्तान में ईमानदार होने पर गर्व महसूस हो, नहीं तो मुझे लगता था कि ये तो यहाँ तो बेईमानों क्या ही इज्जतमान होते। तो ये बात जो आई है अभी मेरा, मुझे जिम्मेवारी दी थी मणिपुर के चुनाव की, दिल्ली के चुनाव में भी, विशेषकर ईस्ट में, तो वहां पर भी हमने जाकर यही कहा कि जब सभी, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का हमें भारी मत मिला, तो मैंने ये कहा कि ये नया जो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग आ गया है युवाओं का, वो जात पात धर्म वर्ग मतलब उससे ऊपर उड़ गया। और तो मैंने भी दिल्ली में प्रचार करता तो मैं पूछता था बच्चों को बिठा के, मैं बताओ भैया पिताजी कौन है, बोले ठाकुर है, तो माँ कौन है, ब्राह्मण है, तुम कौन हो, मैं तो दोनों का बेटा हूँ, बहू कौन है, बनिया है। तो हम तीसरी पीढ़ी में आगे कहते संस्कार बदल जाते हैं, अब क्या है कि हम पिछली सोच से चुनाव भी लड़ रहे हैं, और ये जो नया वोटर है, जो नया युवा है, वो जुड़ता है अपने फ्यूचर स्टेक्स से, he finds that here is leadership which I can trust for my future stakes। और इसलिए इतने भारी जब मुझे कहा गया कि साहब आप पोलराइजेशन करते हैं, हमारे ऊपर थोड़ा सा पुराने लेवल भी है, मेरे ऊपर रविंद्र जी के जैसे लोगों को देखा भी उस विचारधारा के, तो कहा जी आप पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करते हैं, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ करते हैं, तो मैंने कहा जिस तरह का भारी बहुमत उत्तर प्रदेश में आया है, यदि पोलराइजेशन की होती नजर मजहब के नाम पर तो नहीं आता, इसलिए आया कि तमाम धर्म और जात के लोगों ने हमें वोट दिया, और यदि पोलराइजेशन हुई है तो पोलराइजेशन हो गया विकास के नाम पर हुई है, और पोलराइजेशन यदि विकास के नाम पर ऐसी पोलराइजेशन है कि जिसके चलते विकास के झंडे के तले हर मजहब हर धर्म के लोग इकट्ठा हो जाए, तो मैंने कहा ऐसी पोलराइजेशन हिंदुस्तान को मुबारक है, ये हर रोज हो। सो देयर इज अ सी चेंज, और ये 3 वर्ष में इसका अर्थ एक और भी निकाला जा सकता है, जब भी आप कभी रिसर्च करेंगे भारतीय मनोविज्ञान पर और इंडियन साइकी पर, कि शायद कहीं ना कहीं हमारा नागरिक इस परिवर्तन के लिए तैयार था और हमारा युवा तैयार था, क्योंकि आजादी के बाद अब तीसरी पीढ़ी, लेकिन उसे कोई आउटलेट नहीं मिल रहा था, उसे कोई अवसर नहीं मिल रहा था, तो मोदी जी के रूप में उसे एक ऐसा आउटलेट मिला जहां वो अपनी बदलती हुई एस्पिरेशंस, बदली हुई आकांक्षाओं को या अपेक्षाओं को जाहिर कर सकता था, जैसा मैंने कहा कि। और दूसरी बात ये भी थी कि 60-70 वर्ष तक प्रजातंत्र भी एक ही तरह से चलता रहा, कहीं परिवारवाद, कहीं खानदानवाद, कहीं भाव भतीजावाद, तो पहली बार ऐसा लगा कि मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं इस नेतृत्व के साथ कि प्रधानमंत्री है जो ग्रास रूट धरती से आया है, हमारा प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी कार्यकर्ता से ऊपर उठ करके, हम जैसे लोग जो शायद आज आपके सामने बात करने का साहस कर सकते हैं, तो इसलिए कि इसी संगठन में से निकल करके हमें अवसर मिला।
तो ये भी एक शायद बात थी जो शायद हमारे युवा को नसीब नहीं हो रही थी, जो वास्तविक प्रजातंत्र है, शायद इसे इमर्जेंस ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी विद विच द कॉमन यूथ नाउ बिगिंस टू आइडेंटिफाई। और इसी तरह से ये जितनी योजनाएं हैं ये ग्रास रूट की योजनाएं हैं, जिसकी अभी बात कर रहे थे, पहले उज्ज्वला योजना है, फसल बीमा योजना, जनधन योजना, ये जितनी भी योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं, या दीनदयाल उपाध्याय योजना कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ जोड़ती है। और जैसा कि हमारे यहाँ ये विचार भी है और इस वर्ष हम शताब्दी वर्ष भी मना रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, कि अंत्योदय का विचार उन्होंने हमें दिया, द लास्ट मैन द लास्ट क्यूब। और मुझे लगता है अल्टीमेट लिटमस टेस्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी इज वेदर द बेनिफिट्स हैव रीच्ड द लास्ट मैन द लास्ट क्यूब, कि आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक प्रजातंत्र का लाभ पहुंचता कि नहीं पहुंचता, यही उसका असली मापदंड है, फर्क। और ये बात अब अमल में आनी शुरू हुई। हम पहले बात तो करते थे गरीबी हटाने की, चाहे गरीबों को हटा दिया जैसा किया, परंतु ये आउटरीच जो हुई है, जैसे इन्होंने सिलेंडर की बात की, और आउटरीच हमारी अपनी अपेक्षाओं और जरूरतों के और हमारे वातावरण के अनुकूल। आप इससे पहले के विभाग में, क्योंकि मेरे पास विभाग बहुत सारे हैं, तो उससे पहले मैं एक बात और एक दो रख दूं। अब उदाहरण के तौर पर जो सबसे पहला संबोधन था प्रधानमंत्री मोदी का 2014-15 अगस्त को, तो लाल किले से बात होती है शौचालय की, ऐसा बहुत बड़े बुद्धिजीवी जो थे वो कंफ्यूज हो गए कि भाई यहाँ तो प्रधानमंत्री ने बात करनी होती है कि पिछले वर्षों में क्या हुआ, आगे वर्षों में क्या हुआ, बहुत बड़ा लंबा लंबा फलसफा होता, तो ये प्रधानमंत्री कह रहे टॉयलेट बनाओ, वो शायद उस समय समझ नहीं आई होगी, लेकिन दैट टच द इनर कॉर्ड, इनर साइकी ऑफ द कॉमन सिटीजन। और देखते ही देखते जो कभी किसी ने अनुमान नहीं किया था, कल्पना नहीं की थी, एक जन आंदोलन बन गया और होड़ लग गई आपस में प्रदेशों की, हम भी ODF बनेंगे, गांवों के, पंचायतों की, अभी परसों 13 पंचायतों का कार्यक्रम करके आए, बोले अभी और हम करेंगे, तब दूसरी पंचायत और करें, अभी ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगी, क्योंकि भारत में इस बात की जरूरत थी, कोई कहता नहीं था, लेकिन कह रहा हूं कि हमारे मन तैयार थे, अवसर नहीं था। और जिस दिन ये घोषणा 15 तारीख को, तो उसके 2 ही दिन के बाद मैं आदरणीय नितिन गडकरी जी के पास पहुंचा, वो भी हमारे बड़े मेहरबान है क्योंकि हमारे अध्यक्ष भी रहे, तो उस समय उनके पास ये विभाग था ग्रामीण विकास का, सभी तो मैंने कहा कि सर एक निवेदन है कि ये जो प्रक्रिया है ये महिला शौचालय बनाने की, ये सीमावर्ती क्षेत्र से शुरू की जाए, क्योंकि मेरे क्षेत्र का थोड़ा सा हिस्सा सीमा से मिलता है, मेरा और विनोद खन्ना जी का एक ही क्षेत्र था, और फिर आप अभियान भी इकट्ठा ही करते थे कल, तो मैंने कहा वहां, तो बोले ये क्या फिलासफी हुई, गोवा में प्रोफेसर बोलते हैं, तो मेरी हर बात भी नहीं थी, तो मैंने कहा सर इसमें क्या है कि बाकी क्षेत्रों में तो महिलाओं को मोहलत रहती है रात को निकलने की, लेकिन यहाँ क्या है कि रात को सेना और अर्धसेना बल गश्त करते हैं, कभी कभी गोलीबारी हो जाती है, तो वो बेचारी उस छोटी सी सुविधा से भी वंचित है। तो उन्होंने बात इतनी प्रभावित की और इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत उसका आदेश भी जारी कर दिया। कहने का तात्पर्य ये कि हमारी जरूरतें थी, लेकिन हम किसको कहते वो कौन सुनने को तैयार था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इन योजनाओं की, और इन योजनाओं के द्वारा जो हमारी अपेक्षाओं तक पहुंचने का काम हुआ है। अब यदि मैं सारी योजनाओं की बातें करूंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, जैसे कहा गया कि अपने विभाग की बात करो, विभाग की चार वैसे मैं आरंभ में जो पर्सनल का महकमा है जो